लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठ गई है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में आरजेडी नेता ने लालू यादव को मसीहा और भगवान बताते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग जो है वो कर दी है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की भी मांग की गई। उनके भी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया और कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दीजिए। और अब जब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी तो भला लालू यादव के समर्थक पीछे रहने वाले कैसे थे। उन्होंने भी पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर एक लंबा चौड़ा बड़ा पोस्टर जो है वो लगा दिया और उस पोस्टर के बाहर उन्होंने ये लिख दिया कि लालू यादव को जो है वो भारत रत्न दीजिए, लालू यादव भगवान हैं, मसीहा हैं और उन्हें भारत रत्न देने की मांग जो है वो की गई। तो वहीं इस पोस्टर पर आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने चुटकी लेते हुए आरजेडी के ऊपर तंज भी कसा है, लेकिन फिलहाल समर्थक है और समर्थकों का अपना अपना तरीका होता है अपने नेताओं में विश्वास और आस्था दिखाने के लिए, और उसी तरीके के तहत लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग जो की गई है। और बिहार की राजनीति में इन दिनों नेताओं को भारत रत्न देने की मांग के पोस्टर जो है वो लगातार लग रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं, इसमें लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही ऐसा एक पोस्टर राजधानी पटना की सड़कों पर लगे थे जिसमें नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। और इस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात की है हमारे संवाददाता शक्ति ने। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है और पटना के सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। सर क्या कहेंगे? देखिए, विभिन्न संगठन के लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदरणीय लालू प्रसाद जी को भारत रत्न अगर देने की मांग की है तो ये मांग जायज ही नहीं है, ये मांग सामयिक भी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी पात्रता रखते हैं। देश के इन्हें गिने उन कद्दावर नेताओं में आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने सामाजिक क्रांति को सिर्फ मूर्त रूप ही नहीं दिया, हास्य पे लांछित वंचित जो हमारा समाज था, जो अंतिम पंक्तियों में सोया हुआ तक हक और हकूक की बारे में जानकारी नहीं था, सहमा हुआ था। सामाजिक क्रांति के बल पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लोगों को जगाया ही नहीं, हक और अधिकार दिलाया कि अगर तुम्हारे बेट बाप को कोई प्रणाम नहीं करता तुम भी उसे प्रणाम मत करना। एक जागृति पैदा की, जो खटिया पर नहीं बैठते थे, मचिया पर नहीं बैठते थे, बड़े लोग के सामने खड़ा होने की ताकत नहीं रखते थे, भुआ में बैठ जाते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, उनको इज्जत दिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी के संघर्ष की गाथा कि अगर किताबों को अगर लामबंद जो किताबों को अगर पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि इस राज्य के अंदर में, देश के अंदर में तीन क्रांतियां, सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में और सामाजिक क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो हुआ, जिसका लाभ इस देश के वंचित वर्गों को मिला। मुट्ठी भर लोग जो सत्ता के संसाधन पर अपना एकाधिपत्य बना करके बैठे थे, वोट का राज का मतलब छोट का राज, इसको परिभाषित किया और वो लाभ उन हर वर्गों को मिला जो शोषित थे। अब शोषित वर्ग शासित वर्ग से अपना अधिकार मांगने लगा और यही देन है कि पिछले तीन दशक में बिहार की राजनीति में वो वर्ग जो वर्ग हास्य पे था नेतृत्व कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में उन मेल से मुक्ति दिलाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। नीतीश कुमार को लेकर भी एक इस तरह की पोस्टर कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पर थी, उनको भी भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलता तो उससे हमारा क्या आपत्ति है जी? नीतीश जी आंदोलन से के कोख से उपजे हुए हैं, ये कौन 17 साल वाला के साथ बाद में न गए हैं? पुरातन नाता तो 73 से इधर न है। संघर्ष की सारी जो आप देखेंगे लंबा संघर्ष तो इधर ही न हुआ है, ये बतवा को नहीं मालूम है तो सब जानता ही है जी। अगर उनको मिलता है तो आपत्ति क्या है भाई? हम लोग तो उनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे।